हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है चाणक्य नीतियाँ। डोंट बी डिसअपॉइंटेड व्हेन नोबडी स्टैंड्स विद यू। चाणक्य सेड, आई एम थैंकफुल टू दोज हु लेफ्ट मी बिकॉज दे थॉट मी आई कैन डू इट अलोन। यहाँ पे चाणक्य जी ने हमें बहुत अच्छी प्रकार से बताया है कि आप कभी भी डिसअपॉइंट ना हो यदि आपके साथ लोग नहीं है। यहाँ पे चाणक्य जी ने बताया है कि आप कभी भी घबराएं ना कि आप लोगों के साथ आप लोग जो है आपके समर्थन में नहीं है, या लोग आपके साथ नहीं है, या जिस राह में आप चल रहे हैं लोग उस राह में आपके साथ नहीं है। चाणक्य जी कहते हैं कि आप शुक्रगुजार रहिए उन लोगों का जिन लोगों ने आपको छोड़ दिया, क्योंकि वो ये समझते हैं कि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। चाणक्य जी ने कहा है कि वो लोग सोचते हैं, उनके दिमाग में थिंकिंग ये है कि जो लोग ने आपको छोड़ा है वो इसलिए छोड़ा है क्योंकि आप अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों ने आपको छोड़ा है। तो इसलिए कभी भी हम लोग को इस बात में कभी दुखी नहीं होना चाहिए कि हमें जो लोगों ने छोड़ा या लोग हमारे साथ नहीं है तो वो क्यों नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि हम उनसे ज़्यादा कैपेबल हैं, हम अकेले ही सब कुछ कर सकते हैं। फिर चाणक्य जी ये कहते हैं, इवन इफ द डेस्टिनेशन आर द डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट बी फार अवे, आर डिफिकल्टीज टू अचीव वन कैन रीच इट आर गेट इट इफ वन इज डिटरमाइंड। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर अ डिटरमाइंड पर्सन। यहाँ पे आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जब तक हमारा डेस्टिनेशन यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट यानी कि हमारा उद्देश्य डिज़ायर्ड ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं होगा, यानी कि कहने का मतलब यहाँ पे आचार्य चाणक्य जी कह रहे हैं जिस प्रकार से हम अपने उद्देश्य के प्रति आतुर रहते हैं, उस उद्देश्य के प्रति हम कर्म करते हैं, अपने फ़र्ज को निभाते हैं, चाहे उसमें कितना भी कठिन परिश्रम करना पड़े, चाहे जितनी भी दिक्कतें आए, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, हम अपने उद्देश्य के प्रति डटे रहते हैं तो कुछ भी ऐसा असंभव नहीं है जो हमें उसमें सफलता को प्राप्त करने में दिक्कत आए। क्योंकि हम कर्म नहीं भी कर सकते, हम वो भी कर्म कर सकते हैं अगर हमारे अंदर दृढ़ निश्चय है तो हमें अपने डेस्टिनेशन यानी कि गोल की तरफ यानी कि टारगेट की तरफ यानी कि हमें अपने उद्देश्य की तरफ आतुर रहना चाहिए, जिससे कि हम अपने कर्म की तरफ प्रभावित होकर अपने फुल पेशेंस के साथ, अपने फुल एनर्जी के साथ उस कर्म को पूरा कर सकें। ए मेर टिकल ऑफ द टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कैन फिल द पिक्चर। द सेम वे वी मस्ट कीप ऑन कलेक्टिंग नॉलेज, धर्म एंड मनी। कहने का मतलब यह है यहाँ पे आचार्य चाणक्य जी का, एक छोटी छोटी बूंद मिल करके एक पूरे घड़े को, एक पूरी सुराही को भर देती हैं। इसी प्रकार से अगर हम ज्ञान को, धर्म को और पैसे को धीमे धीमे करके क्या करें, इकट्ठा करें, तो वो एक दिन चल के बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है। कहने का मतलब यह है आचार्य चाणक्य जी का कि जो व्यक्ति अपनी दृढ़ निश्चय से वो धीमे धीमे करके अपने ज्ञान को, पैसे को और अपने धर्म को प्राप्त करता रहता है, वो आगे चलकर के ज़िंदगी में उसके पास तीनों चीज़ों की पूर्ति पूरी हो जाती है और वो आगे जीवन में चल के सफल होता है। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।